प्लास्टिक से फैलने वाली गंदगी को रोकने के लिए एक और जहां देश के प्रधानमंत्री मथुरा में आज प्लास्टिक को पूर्णतः बंद करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, वहीं इसको सार्थक करने को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी विशेष कार्यक्रम चलाया गया। आज के दिन जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मथुरा से जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं और इसी अभियान के तौर पर हम लोग पूरे भारतीय रेल में हर स्टेशनों पे प्लास्टिक से जो गंदगी फैलती है उसको ख़त्म करने का आशय हम लोगों ने प्रण लिया है और हमने इंश्योर किया है कि स्टेशनों पे जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के कोई भी उसमें कोई भी सामान ना दिया जाए जिसकी थिकनेस 50 माइक्रॉन से कम होती है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज धनबाद स्टेशन पे श्रमदान का कार्यक्रम किया है और इसी तरह श्रमदान जो है धनबाद मंडल के अन्य स्टेशनों पे भी किया जा रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो स्टेशन प्रीमाइसेस हैं रेलवे कॉलोनी है बिल्कुल प्लास्टिक फ्री रहेंगे। और इसी सिलसिले में 16 सितंबर से और 31 सितंबर तक स्वच्छता ही सेवा का अभियान चलाया जा रहा है, इसमें प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे स्वच्छता पे विशेष योगदान दिया जा सके। और 2 अक्टूबर को जो हमारे महात्मा गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ है उस पर हम लोग स्वच्छता के लिए बहुत ही बृहद पैमाने पे कार्यक्रम आयोजित करेंगे।